अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट टाइम हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन के और ग्राफ्स के क्वेश्चंस किए थे काइनेमेटिक्स के। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन और डायनेमिक्स के जितने भी क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं वो साथ साथ करेंगे, ठीक है। सो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट करते हैं, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, गौर से पढ़ना क्वेश्चन की वर्डिंग जो है और ग्राफ की जो वैल्यूज दी हुई हैं, जो ग्राफ के एक्सेस हैं, जो लेबल है, उनको जरा गौर से देखो, ठीक है। इट्स नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट लुक्स। कैन एवरी वन सी द स्क्रीन बेटा? सबको स्क्रीन नजर आ रही है? ओके ऑलराइट। सो इसमें अगर आप ग्राफ को गौर से देखें तो इट्स नॉट अ ग्राफ ऑफ आर वर्सेस टाइम और हाइट वर्सेस टाइम। आर जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल और एच जो है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और आपने हाइट वर्सेस मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का आपस में ग्राफ बनाना है। अब आपने ज्यादातर जो ग्राफ पढ़े हैं उसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम नहीं है। तो अब इस बात को आप जरा रियलाइज करें कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। सबसे पहले तो आप जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आर, उसकी इक्वेशन बनाएं। देखो बेटा सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन जो होती है, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। इसलिए जब आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाते हैं तो वो बेसिकली स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्पीड इज इक्वल्स टू, इन दिस केस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज आर एंड इट विल बी अपॉन टाइम। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसमें आप आर को सब्जेक्ट बना लो या जिसको मर्जी सब्जेक्ट बना लो, ये आपकी इक्वेशन वन हो गई। इक्वेशन टू आप बनाओ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की कोई इक्वेशन बना लो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की इक्वेशन बना लो। वर्टिकल वेलोसिटी इसकी कैसी होती है? वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसे होता है, इसको आप वी वाई कह लो, ठीक है। उसको आप वी एक्स बोल दो, यहाँ पे वी एक्स लिख दिया मैंने, और इसको मैंने वी वाई बोल दिया। अब हमें पता है कि इट इज यू प्लस ए टी, ऐसे ही है, और प्लस भी नहीं माइनस बनेगा, माइनस साइन बनेगा क्योंकि यहाँ पे, या चलो प्लस साइन ही लगा लेते हैं क्योंकि हम इसका बस जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, हम ऐसा सच उसके डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, तो नेगेटिव साइन का कोई यहाँ पे मकसद नहीं है, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपने एक्सप्रेशन बनाया। अब ये देखो कि इन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर हमें बेसिकली किस चीज़ का हमें रिलेशनशिप निकालना है। अच्छा नहीं, ये वाली इक्वेशन का फायदा नहीं है, आई एम गोइंग टू कट दिस इक्वेशन आउट बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मुझे डिस्प्लेसमेंट वाला कोई वेरिएबल चाहिए तो उसके अंदर जो इक्वेशन बेस्ट आती है फिर वो ये वाली आती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये है कि एच जो है आपकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हाइट बोला गया है, तो आप सिंपली यहाँ पे हाइट जो है वो यहाँ पे डाल दो, एस की जगह पे आप हाइट डाल सकते हो। लेकिन इसमें भी एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, ख्याल इस बात का रखना पड़ेगा कि आप डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से मेजर कर रहे हो जबकि हाइट तो नीचे से मेजर हो रही है, हाइट तो नीचे से मेजर हो रही है। तो अब एस और एच का आपस में क्या रिलेशनशिप बनाया जाएगा, एच और एस का आपस में क्या रिलेशनशिप बनाया जाएगा? कि सिंपली ये नहीं हो सकता कि आप एस को सिंपली एच से रिप्लेस कर दो। बेटा हम मनाल प्रोजेक्टाइल मोशन की क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा एस और एच का मैं ये कह रहा था कि सिंपली आप ये नहीं कर सकते कि यार इसको बस इससे रिप्लेस कर दिया, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मसला सारा यहाँ पे ये है कि हाइट तो नीचे से मेजर होती है और वो कम हो रही है, और एस जो है वो ऊपर से मेजर हो रहा है और वो तो बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पोजिशन से बढ़ रही है, हाइट जो है वो कम हो रही है। तो इसलिए इसका जो है वो आपको मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, एक मिनट रुको, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा हाइट। सो बेसिकली अगर ये मेरी हाइट है और मैं कहता हूँ यार हाइट की एक्सप्रेशन अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो
और डिस्प्लेसमेंट ऊपर से मेजर हो रही है, हाइट नीचे से मेजर हो रही है, तो इनको कैसे रिप्लेस किया जाएगा? एक मिनट रुक जाओ, सोचने दो जरा। अगर आपकी लेट सपोज हाइट होती 10 मीटर की, ठीक है, 10 मीटर की हाइट होती है और आप बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर से 2 मीटर्स है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर से 2 मीटर्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है, टॉप से बॉल 2 मीटर नीचे आ गई यहाँ पे, तो आप हाइट कैसे निकालते हो उसकी? करंट हाइट आप निकालते हैं, आप बोलते हैं 10 माइनस 2 कर दो, 10 माइनस 2 कर दो। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे करना ये पड़ेगा, he varies the height h of the gun and measures the horizontal displacement of the ball when it hits the ground. Height ko yahan pe simply dala nahi ja sakta, simple straight forward. Sochne do ek minute zara, height ka yahan pe kya karna padega? Kyunki height ko simple aap s se replace to kar nahi sakte, yahan pe aapke paas s hai. What should we do over here jisse hame pata chal jaye ki हाइट और डिस्प्लेसमेंट का आपस में क्या था होगा? चलो हम एक काम करते हैं, पहले सिंपली डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हाइट को उसमें डालने का कोई फायदा है भी या नहीं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको फिलहाल एच को ही हम अपना एच समझ लेते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो है वो इसके बगैर भी काम हो जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन का ही मसला है, एज सच कोई चीज में से प्लस माइनस नहीं हो रही। आगे चले अगर एस सी कुछ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अंदर, अब मेन काम ये था कि यार ये जो इक्वेशन 2 मैंने बनाई है नीचे वाली, ये जो इक्वेशन 2 बनाई है और जो इक्वेशन 1 बनाई है, अब इसमें मेन चीज बेटा ये है आपकी कि ये वाली इक्वेशन में से और ये वाली इक्वेशन में आपको कॉमन क्या चीज नजर आ रही है? टाइम का वेरिएबल आपको दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो आप टाइम को सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे डाल दें। इससे क्या होगा कि आपको एच और आर के बीच में रिलेशनशिप पता चल जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन में आप क्या करो कि टाइम को सब्जेक्ट बना लो, अगर मैं टाइम को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, जिस चीज को एलिमिनेट करना होता है ना आपने, उसको आप सब्जेक्ट बना लेते हो, तो जो या जो चीज दोनों इक्वेशंस के बीच में कॉमन होती है, तो टी को सब्जेक्ट बनाया तो इट विल बिकम आर अपॉन हॉरिजॉन्टल स्पीड। अब इसको मैं सब्सिट्यूट कर दूंगा कहाँ पे, ये वाली इक्वेशन के अंदर जहां जहां टाइम का वेरिएबल आ रहा है। अब देखो जब इसके अंदर मैं सब्सिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास क्या है, h यहाँ पे है, u और फिर t के अंदर। अच्छा अब u के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग बात है, हमारा सवाल यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यू हैव टू रियलाइज दैट द बॉल वॉज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली, अगर आप बॉल को हॉरिजॉन्टली लॉन्च कर रहे हो तो आप u को अज्यूम कर सकते हो कि ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको जीरो अज्यूम कर लूंगा, तो अब मुझे सिर्फ हाफ 80 स्क्वायर से डील करना है। अब हाफ 80 स्क्वायर के साथ आपने सिर्फ टी स्क्वायर की जगह वहां पे वो डालना है, तो एच आ गया, 1/2 आ गया, a अपनी जगह पे है, t स्क्वायर की जगह पे मैं क्या डाल रहा हूँ, r/vx, तो r का स्क्वायर और vx का भी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ग्राफ देख के आपको बड़े आराम से पता चल रहा है कि r और h के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये चीज कांस्टेंट है, देखो हाफ इज कांस्टेंट, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जैसे कि उन्होंने कहा वो चेंज नहीं हो रही, और a भी कांस्टेंट है क्योंकि ये तो हमेशा g = 9.81 के बराबर होगा। तो H और R के बीच में रिलेशनशिप क्या निकला, असल चीज यही करनी थी हमें, ग्राफ की शेप पता करने के लिए आपको यह पता चला कि H इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ पे यह पता लगाना है कि R का H से क्या रिलेशनशिप है। तो R को अगर मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पे मैं R के ऊपर से स्क्वायर हटा देता हूँ तो H के ऊपर अंडर रूट लग सकता है। अब यहाँ पे आपका सवाल सॉल्व हो गया, सवाल आपका सॉल्व हो गया, अंडर रूट वाले ग्राफ की, अंडर रूट वाले ग्राफ की क्या शेप होनी चाहिए, इस बात को कौन बता सकता है? यहाँ पे देख के यहाँ पे आपका सवाल सॉल्व हो गया, इजीली यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द शेप ऑफ द ग्राफ। गुड रायन, नो मनाल, आप जो ग्राफ बता रही हो मनाल उसमें अगर ऐसा होता कि एच क्या कहते हैं आर वॉज प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर होता तो फिर ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ कर्व करता। यस, ए होना चाहिए, अगर ये वाला ग्राफ, अगर रिलेशनशिप आता कि एच और आर प्रोपोर्शनल है तो ये वाला ग्राफ हो जाता, ठीक है, ये वाला ग्राफ कब होता, अगर h r स्क्वायर या r से कोई भी 1 से बड़ी पावर है, r स्क्वायर या r क्यूब से प्रोपोर्शनल होता तो इस तरह का शेप आता। ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ बिल्कुल सेम है, बस इसमें फर्क सिर्फ ये है कि h प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर नहीं है, प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर नहीं, बल्कि इसमें प्लस कोई आगे कॉन्स्टेंट भी एड हो रहा है, राइट, मतलब ग्राफ का कोई ना कोई इंटरसेप्ट भी है जो इनिशियली उसको मिल रहा है। और आखिरी वाला जो ग्राफ है इसमें आपको नजर आ रहा है कि एच का और आर का जो रिलेशनशिप है वो आर एच के
स्क्वायर से नहीं प्रोपोर्शनल। अच्छा यहाँ पे मैंने एक बात उल्टी लग दी, स्क्वायर यहाँ लगाना था, स्क्वायर यहाँ लगाना था, स्क्वायर यहाँ लगाना था, और यहाँ पे तो खैर लीनियर है जिसमें मर्जी कुछ भी लगा दो। और आर जो है वो एच के अंडर रूट से प्रोपोर्शनल है। जब भी ग्राफ अंडर रूट से प्रोपोर्शनल होता है तो वो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का कर्व बनता है। स्क्वायर हो या क्यूब हो तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होता है, कोई भी वन से बड़ी पावर हो, पावर वन हो तो ग्राफ स्ट्रेट बनता है। तो इससे हमें वर्किंग करके यहां से और ये वाली इक्वेशन को कंबाइन करके मैंने ये इक्वेशन बनाई, और सिर्फ मैंने फिर ये दोनों वेरिएबल देखे और उससे मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप पता लग गया, उससे मैंने ए चूज कर लिया। मुश्किल सवाल था, आसान सवाल नहीं था। और मैं आपको याद होगा बहुत दफा बताता रहा हूँ कि एमसीक्यूज के अंदर ग्राफ की शेप्स के कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक दफा ये वाली ऐप खोल लेना डेस्मोस, ठीक है। रयान मेरे ख्याल से प्रोपोर्शनैलिटीज के थ्रू ही जो है वो हमें करना पड़ेगा ये सवाल। जहां तक मुझे इसका बेहतरीन तरीका आता है वो प्रोपोर्शनैलिटीज वाला ही है, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी आप इक्वेशन बना के ही चेक कर सकते हो। सो आपको सब्स्टिट्यूशन ही करनी पड़ेगी। आई कांट थिंक ऑफ अनदर वे जिससे ये हो सके, ठीक है। बट अगर मुझे पता लगा तो बेशक बता दूंगा। अब डेस्मोस वाली ऐप खोलना, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप कंप्यूटर पे कहीं भी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। इनकी इनका ग्राफिक कैलकुलेटर ओपन करोगे, वहां पे आप कुछ इस टाइप की जो ग्राफ्स की शेप्स है ना, इनको बेटा प्लीज एक्सप्लोर कर लेना। वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट हो, कॉन्स्टेंट आप कोफिशिएंट कुछ भी डाल दो, वन डाल दो, टू डाल दो, वन अपॉन टू डाल दो। एक्स सीधा ग्राफ या इसकी शेप, ये ग्राफ लीनियर बनना चाहिए। वाई इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, क्यूब का इतना मसला नहीं है। वाई इज इक्वल्स टू के एक्स अंडर रूट का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वाई इज इक्वल्स टू के अपॉन एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ये कुछ बहुत ही बेसिक चीजें हैं। और एक और वाई इज इक्वल्स टू के और नीचे अंडर रूट एक्स, ये वाले ग्राफ्स की शेप ना आपको पता होनी चाहिए। तो ये ग्राफिक कैलकुलेटर में जाके एक दफा इनकी शेप्स का बेसिक आइडिया ले लेना कि स्केच अगर करनी हो या स्केच का अंदाजा लगाना हो तो कैसे कर सको। ये आप लोगों के पेपर में बहुत काम आएगी ये चीज़, ठीक है। स्पेशली जो इक्वेशंस ऑफ मोशन वाले सवाल हैं उसमें बहुत ज्यादा काम आते हैं। आगे चलते हैं, आप आगे कुछ सवाल जो है थोड़े से आसान होंगे। पहला वाला ही बहुत मुश्किल था, बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन इतना टफ टॉपिक नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड द इक्वेशंस एंड यू जस्ट रिमेंबर टू सिंपल फैक्ट्स, हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है, उस पे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन रीड करो, मैं इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करता हूँ, फिर सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। एक मिनट, ये इक्वेशन पढ़ के आप लोगों को पता चल रहा होगा ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं। s इक्वल टू ut प्लस नहीं बल्कि माइनस हाफ at स्क्वायर, माइनस हाफ at स्क्वायर। माइनस साइन किस बात पे लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरी एक्सेलरेशन नहीं होगी बल्कि डिसेलरेशन होगी, नेगेटिव होगी। बिकॉज एज द बॉल हैज एन अपवर्ड्स वर्टिकल वेलोसिटी, ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन, राइट। सो माइनस g जो है वो आपको रखना है। अच्छा, पहली वाली एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल में मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की इक्वेशन यूज होती है, तो स्पीड क्या है, v cos थीटा, राइट। और d जो है मेरा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x है, और टाइम जो है वो तो सिंपली t है। ये हो गया। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके देख लो कौन सी बन रही है, इसमें से इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। अब c और d तो आपने पहले ही एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन, आपको पता है कि आपका आंसर c और d तो हो ही नहीं सकता। अब a और b में से कौन सा वाला है, अब नीचे वाली जो इक्वेशन मैंने बनाई है उसके अंदर s जो है, s वो आपका बेसिकली y है, राइट। वर्टिकल वेलोसिटी को उन्होंने y कहा है। अच्छा, उसके बाद u क्या चीज है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, सो दैट इज v
साइन थीटा इंटू टी, ये हो गई दो चीजें। अब आगे माइनस साइन है, प्लस साइन नहीं है, माइनस साइन, फिर वन अपॉन टू, और फिर उसके बाद जी, ए के बजाय जी लिख दूंगा क्योंकि एक्सेलरेशन उन्होंने कहा कि जी लें आप, और फिर उसके बाद टी स्क्वायर। तो ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन दोनों अब आपके पास आ गई। नाउ यू कैन चूज योर आंसर इजीली। एक मिनट रुकना भाई, पेंसिल ने काम करना बंद कर दी। गिव मी वन सेकेंड। अपना आंसर पिक कर लो, पता चल गया होगा आप लोगों को बी आंसर आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो हमारा यहाँ पे ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हमें पता चल रही है यहाँ पे और यहाँ पे, तो बी आंसर है आपका। इधर गलती क्या थी? प्लस साइन, ठीक है, और यहाँ पे क्या गलती थी? साइन थीटा और साइन थीटा की गलती थी, और यहाँ पे भी प्लस साइन, तो सब में कोई ना कोई गलती थी। थ्री को देखते हैं जी। अ बॉल इज किक्ड अपवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, आफ्टर अ शॉर्ट फ्लाइट द बॉल रिटर्न्स to the ground, it is assumed air resistance acknowledged, but what is never zero during the flight of the ball? अब ये तो बिल्कुल basic सवाल है, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा calculations की या चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, basic idea आपको होना चाहिए। ball का अगर आप path बना लें तो आपको clearly idea हो जाएगा कि जब ball ऐसा path follow करती है तो उसका क्या situation होती बन रही होती है। यहाँ पे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो ball, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, क्या कह रहे हैं? What is never zero? The horizontal component of the ball's acceleration. What do you think? ये आंसर सही है या गलत है? भाई acceleration और horizontal, यहाँ पे पढ़ के आपको पता लग जाना चाहिए ये गलत है। Horizontal acceleration तो हो ही नहीं रही होती, ball की सिर्फ और सिर्फ vertical acceleration होती है। The horizontal component of the ball's velocity, हाँ, that seems true because horizontal component जो है वो ball का constant रहता है। So it will never be zero, it will always be v sine 45 or v cos 45, right? So ye zero ka bhi hona nahi chahiye. This seems correct, but let's see. The vertical component of the ball's momentum, ye to hoga zero. Ye yahan pe aake zero ho jayega. Is jagah pe aake ball ka momentum zero ho jayega. To ye bhi kabhi bhi never zero wali baat is pe true baith nahi baithti. The vertical component of the ball's velocity, vertical component bhi velocity ka yahan pe zero ho jata hai. टॉप पोजीशन पे आ गए, यहाँ पे वेलोसिटी बॉल की ज्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ी सी कम होती है, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, फिर नीचे जाते हुए वर्टिकल कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है। सो क्लियरली आपका आंसर बी है, आसान क्वेश्चन था। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर नाउ। ऑन ऑन ए प्लैनेट, अच्छा जब ये ऐसे लिखते हैं तो आपको क्या करना होता है? व्हेन दे सेइंग ऑन ए प्लैनेट, तो डेफिनेटली दे आर टॉकिंग अबाउट नॉट द अर्थ। So, don't just assume के G जो है वो 9.81 होगा, okay? Can I explain C? Okay, मनाल, भाई सब लोग आगे वाला क्वेश्चन पढ़ो। मनाल, C क्यों नहीं होगा? बेटा C इसलिए नहीं होगा, जब वेलोसिटी का कंपोनेंट, वर्टिकल वेलोसिटी जब जीरो हो गई तो वर्टिकल मोमेंटम भी तो जीरो होगा ना। यहाँ पे आकर आपको पता है ना, बॉल का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो हो जाता है, तो फिर मोमेंटम भी तो जीरो हो जाएगा। वर्टिकल मोमेंटम वर्टिकल वेलोसिटी इनटू मास होता है, सो दैट वुड आल्सो बी जीरो। अच्छा, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद फाइव। ऑन अ प्लैनेट अ वर्टिकली लॉन्च प्रोजेक्टाइल, वर्टिकली लॉन्च प्रोजेक्टाइल, सो समथिंग दैट यू लॉन्च लाइक दिस टेक्स 12.5 सेकंड टू रिटर्न टू स्टार्टिंग पोजीशन। तो ऐसे जाता है और अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, टोटल टाइम कितना लगता है इसको? 12.5 सेकंड्स। द प्रोजेक्टाइल गेन्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 170, द प्लैनेट डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। अच्छा, ये मजे की बात है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपली फ्री फॉल का क्वेश्चन था। तो आपने जी की वैल्यू निकालनी है इस प्लैनेट पे, जी की वैल्यू निकालनी है, या आप कह लो बस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, बॉल को ऊपर जाने में बॉल 170 मीटर की हाइट गेन करती है, ऊपर से बॉल जाती है और वापस नीचे आती है, तो आपको पता है कि जब बॉल यहाँ पे होती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, या बस इतनी बात कर लो कि यहाँ पे जीरो मीटर्स पर सेकंड पे होती है बॉल। नीचे आके बॉल की क्या वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी से उसको लॉन्च किया, ये आपको नहीं बताया गया। इतना पता है कि पूरे जर्नी में टाइम कितना लगा, इतना टाइम लगा ऊपर और वापस नीचे आने में, टोटल टाइम इतना लगा। इतना पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी ये नहीं पता। क्या मुझे ये पता है कि बॉल कितनी हाइट से नीचे आ रही है? मुझे ये पता है 170 मीटर से नीचे आ रही है,
So the easiest way to deal with these types of questions is to actually look at the downward motion of the ball. जब बॉल नीचे आ रही ना, नीचे वाला पाथ, उस पर आप चीजें अप्लाई करोगे तो आपका बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि ऊपर वाली जहां पे बॉल की वेलोसिटी जीरो थी वो आपका यू बन जाएगा. फाइनल वेलोसिटी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. टाइम को आपने आधा कर देना है. टाइम क्या हो जाएगा? 12.5 अपॉन 2 कितना हो जाता है? 6.25 सेकंड्स हो जाएगा आई बिलीव, राइट? तो नीचे आने का टाइम 6.25 सेकंड्स हो जाएगा. और या दैट्स अबाउट इट, दैट्स ऑल यू नीड. एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है. तो ये कौन सी इक्वेशन है जिससे ये आपको चीज मिल जाएगी? आई बिलीव s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से मिल जाएगी. s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब s यहां पे आपका 170 हो गया, ये आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी. हाफ इंटू ए और टी की वैल्यू 6.25 का स्क्वायर. यहां से आप ए निकाल दोगे. निकालो भाई. तो आपका आंसर आया 8.704, विच इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन दिस प्लैनेट, विच इज गोइंग टू बी बी. ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है. ग्राफ वाले क्वेश्चंस हमेशा थोड़ा सा चैलेंजिंग होते हैं, बट दिस इज नॉर्मल स्पीड टाइम ग्राफ. या हाँ, स्पीड टाइम ग्राफ है इवन. जैसे ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्पीड का वर्ड यूज हुआ है, राइट? नॉट वेलोसिटी. इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा. पॉजिटिव ऑल द वे, नो नेगेटिव वैल्यूज. नाउ Look at the projectile, read the question, and then think about which graph best represents the speed versus time. अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज है जिसमें आपको एक्चुअली गुड आमना सही कह रही हो. नो मनाल, स्पीड की जब बात हो रही है तो ओवरऑल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. दैट इज, दैट मींस द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट कंबाइंड. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओनली. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट सेपरेटली. यू आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्टेंट वेलोसिटी. अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ग्राफ होता तो ये कैसा होता? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ग्राफ होता. यू नो व्हाई? बिकॉज़ देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन. So horizontal velocity जो है वो इस तरह की रहती है आपकी, या horizontal speed कह लो. अगर इसे vertical speed की बात हो रही होती तो ये कौन सा graph होता? ये तो definitely नहीं, हाँ ये वाला होता. ये तो नहीं होता, uniform acceleration होती है. remember, uniform acceleration होती है तो graph का gradient constant होना चाहिए. अच्छा, अब normally हमने पढ़ा है graph की shape, हमने velocity time graph की पढ़ी, कैसी होती थी? vertical velocity की shape यूं होती थी. लेकिन वो ग्राफ है, आपको पता ना, कोई मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा, जिस ग्राफ पे मॉड्यूलस लग जाता है वो ऐसे हो जाता है ग्राफ. मुझे ये डॉटेड में बनाना चाहिए, ये ग्राफ हो जाता है मॉड्यूलस. असल में अगर इस ग्राफ पे मॉड्यूलस ना होता, या अगर ये ग्राफ वेक्टर से स्केलर में चेंज हो गया, मतलब बस पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, जहां पे नेगेटिव भी बन रही थी वैल्यू उसकी जगह मैंने पॉजिटिव डाल दी, तो ये वाला ग्राफ बनना चाहिए स्पीड का, वर्टिकल का. वर्टिकल स्पीड की अगर बात करें, अब आप देखो, पता है आपको, ये पता है कि हाँ भाई वर्टिकल स्पीड एक पॉइंट पर जाके मैक्सिमम हाइट पर जीरो होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो नहीं कभी भी जीरो होती ना. तो बॉल की स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी, इसलिए ये वाली चीज भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए. और ओवरऑल वेलोसिटी का ये आंसर नहीं होता, कॉन्स्टेंट तो डेफिनेटली नहीं रहती. तो विच ग्राफ इज इट देन? द ओनली थिंग इज सी. क्योंकि होता क्या है कि आप अपने प्रोजेक्टाइल को अगर फॉलो करो तो देखो, इट हैज सम वर्टिकल वेलोसिटी एंड इट हैज सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो ओवरऑल स्पीड कम हो जाएगी बॉल की. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी तो होगी ही नहीं. यहाँ की अगर बात कर लो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल भी होगी. यहाँ की बात कर लो, हॉरिजॉन्टल भी होगी, वर्टिकल भी होगी. तो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, बट जीरो ओवरऑल कभी भी नहीं होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जीरो होती नहीं है, तो उसकी वजह से ओवरऑल वेलोसिटी भी जीरो नहीं हो सकती. That's why it's C. Okay. Karo next question.
So the stone horizontally near the surface of the moon. Again, G is not 9.8. No atmosphere. Which row describes the horizontal and the vertical forces? No atmosphere. इसका मतलब कोई air resistance नहीं होगा after its release. तो जब stone ऐसे travel कर रहा होगा, जब stone ये part travel कर रहा होगा और यहाँ पे होगा stone मेरा, तो उसपे कौन सी forces act कर रही हैं? उसपे उसका weight act कर रहा है, और कोई force act कर रही है? कोई horizontal forces पे act कर रही है? कोई horizontal force act नहीं कर रही है. After the release है, during the release नहीं है. Horizontal force कोई act ही नहीं कर रही बेटा रयान. Horizontal force क्यों होगी? कोई horizontal force नहीं है. Atmosphere का air resistance भी नहीं है. बंदे के हाथ से भी निकल चुका है stone, तो अब कोई horizontal force भी नहीं लग रही. Horizontal force तो है ही नहीं. तो ये तो zero होना चाहिए. और weight, weight बढ़ता या कम तो नहीं होता ना आपका. Weight तो आपका constant ही रहता है. आंसर आपका सी बन रहा है. दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. अब ये भी बड़े मजेदार सवाल है. वर्टिकल वेलोसिटी वर्सेस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ग्राफ है. वेरी कैन गेट वेरी ट्रिकी. अगेन थोड़ी सी अलजेब्रा यहाँ पे लगानी पड़ेगी. ग्राफ का कॉन्सेप्ट और सब्स्टिट्यूट अलजेब्रा अलजेब्रिकली थोड़ी शायद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन की इक्वेशन कंबाइन करनी पड़े. देखो इसको फिर आंसर डिस्कस करो. ये थोड़ा सा ट्रिकी है सवाल, इन द सेंस कि एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म हो रहा है. स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ एंड फॉल्स इनटू द सी सम टाइम लेटर. एयर रेजिस्टेंस इज नेगलिजिबल. व्हिच ग्राफ शोज अ वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन वेरीज विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एज इट मूव्स थ्रू द एयर. यार इसमें कोई आपको ग्राफ, कोई आपको इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, कुछ नहीं पढ़ने लगी बनानी पड़ेगी. देखो बात सारी ये है कि वर्टिकल वेलोसिटी तो वेरी करती है, ठीक है. हॉरिजॉन्टली स्टोन को आपने थ्रो किया है तो इट फॉल्स लाइक दिस. उसकी वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट ये तो इंक्रीज करेगा. लेकिन यार ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा. अब अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू यहां पे चेंज होती हुई दिखा रहे हैं, यहां भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होते हुए दिखा रहे हैं, जीरो से बढ़ रही है, यहां भी जीरो से बढ़ रही है, यहां हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, वर्टिकल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा हुआ, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होनी नहीं चाहिए. सपोज कर लो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 है तो 5 ही रहेगी, कांस्टेंट रहती है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए. दैट इज व्हाई द ग्राफ शुड लुक लाइक दिस. इट शुड ऑलवेज रिमेन द सेम. वर्टिकल वेलोसिटी साथ साथ इंक्रीज कर रही है. वर्टिकल वेलोसिटी अगर आपकी 0 थी तो 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉल या स्टोन. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा. सिंपल सी बात है, ये फैक्ट आपको याद रखना है. तो आपका ग्राफ की शेप ये बन गई. ये जो ग्राफ्स होते हैं ना जिसमें वन क्वांटिटी वर्सेस अनदर क्वांटिटी प्लॉट हुई होती है लेकिन एक्स एक्सिस पर टाइम नहीं होता, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा हट के सोचना पड़ता है. ऑलराइट, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लग रहा है. पढ़ो जी. 2 मीटर ऊपर से उसने हॉरिजॉन्टली लॉन्च हुआ है, 6 मीटर आगे जाके वो उसने लैंड किया है और वो कह रहे हैं जी एयर रेजिस्टेंस नेगलिजिबल है. व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट एट द एंड ऑफ द हायर ट्रैक. मतलब ये कितनी वेलोसिटी से यहाँ से इसने जंप लगाई. सो पहले आपको वर्टिकल मोशन में जाना पड़ेगा और टाइम का पता लगाना पड़ेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है. अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड आ जाएगी, राइट. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 6 अपॉन टाइम. ओनली थिंग इज यू डू नॉट नो टाइम. तो टाइम आप वर्टिकल मोशन से निकालोगे. वर्टिकल मोशन में जाओ 2 मिनट के लिए. वर्टिकल मोशन में आपको पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती हैं और वर्टिकल मोशन में आपको डिस्प्लेसमेंट पता है 2 है. आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो 9.81 है. आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी
वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो है, तो कौन सी इक्वेशन यहाँ पे मिल सकती है आपको? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बेस्ट इक्वेशन है। इसमें आप यहाँ पे टू डालो, ये जीरो है। क्या चीज जीरो की है मैंने? इनिशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द वर्टिकल वेलोसिटी, जब बाइक लॉन्च हुई है वहां से। अच्छा, हाफ और यहाँ पे 9.81 और यहाँ पे टी स्क्वायर। टाइम की वैल्यू मुझे किसी ने चैट में बताई हुई है, वो आ रही है जी 0.63। अब आई बिलीव तुमने बोला है तो मैं इसको सही ले लेता हूँ। उसके बाद वहां पे इसी क्वेश्चन में वापस आ जाओ, 6/0.63 कर दो, कितना आ रहा है? कितना? 9.4 आ रहा है। ठीक है, आंसर आ गया। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आगे भी अच्छे मजेदार क्वेश्चंस तो हैं। चलो और कर लेते हैं जितने होते हैं, फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के भी स्टार्ट करेंगे और फिर उसको कल वाली क्लास में थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे। बाकी क्लासेस में बच्चों क्या करें? 22 का ईयरलीज कर लें, व्हाट डू यू सजेस्ट, और शुड वी गो ओवर सिलेक्टिव टॉपिक्स? आज 7 है, 17 को आपका आई थिंक है 19 को एग्जाम है, 17 को है 19 को है। So we'll have like 5 or 6 classes after this. Yearlies better hai ya kya? Electricity and waves. Waves and superposition. Yearlies. Mixed jawab hi aa rahe hain. Yearly karwa le sab aa jayega. Work energy power. Tum log to sare jo hain wo mix hi kar rahe ho. अच्छा देखो, मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग ईयरलीज जो है ना 22 के बैठ के प्रैक्टिस करो, और हमें एक क्लास ऐसी रखेंगे, सिर्फ एक क्लास ऐसी। उसमें क्या करेंगे, 22 मई जून का ही है ना सिर्फ, तो और मार्च का पेपर है, चार पेपर हैं, उसमें से जो भी हार्डेस्ट सवाल हैं वो मैं खुद ही कंपाइल कर लूँगा सारे। हर पेपर में आपको पता है 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको टफ लगते हैं, वो क्वेश्चन साइड पे करके उनको एक ही दिन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 7-8 मिला के हो जाएंगे, आई थिंक 25 सवाल हो जाएंगे, 20-25 एक ही क्लास में कर लेंगे 22 के सारे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, सम ऑफ द पेपर्स, अच्छा फेब मार्च 22 ऑलरेडी मेरे चैनल पे रखा हुआ है, वो वहाँ से देख सकते हो आप। 21 के भी पेपर मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, तो हम क्या करेंगे कि 22 के जो मई जून वाले पेपर हैं, तीन पेपर हैं, उसमें से जो भी 20-25 मुश्किल सवाल निकलते हैं वो एक दिन करवा दूंगा, क्योंकि आपको सारे आई थिंक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फिर वही बात है कि टाइम ज़ाया हो रहा होगा, आसान सवालों में से गुजर रहे होंगे। तो एक दिन आई थिंक वेव्स कर लेते हैं, वेव्स और सुपरपोजिशन कंबाइंड, और एक दिन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डीसी सर्किट्स वगैरह कंबाइंड कर लेते हैं, या एक एक दिन तो नहीं, दो दो दिन जो है वो दोनों को दे देते हैं, उससे ये होगा कि वो भी कवर हो जाएंगे। सब बहुत सारे बच्चों को मसला होता है यूजली। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के भी वैसे मेरे कुछ टॉपिकल्स काफ़ी सारे चैनल पर रखे हुए हैं, और वेव्स के कर लेंगे, आई थिंक वेव्स के भी पता नहीं पढ़े हुए या नहीं, देख लेना एक दफ़ा चेक करके मुझे बता देना, मैं खुद भी देख लूँगा। बट चलो डिसाइड हो गया, सो अ फ्यू मोर डेज ऑफ टॉपिकल्स एंड देन 22 के क्वेश्चंस जो है वो सर्कल करके मैं रख लूँगा अपने पास, विल गो ओवर देम, जितने भी मुश्किल वाले होंगे। एग्जामिनर रिपोर्ट में भी लिखा हुआ होता है, दीज वर द क्वेश्चंस दैट स्टूडेंट फाउंड रियली डिफिकल्ट, तो वो कर लेंगे। चलो टाइम आगे वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 जो भी आज करते हैं। सो एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, अगेन मून है तो अर्थ नहीं है, और अर्थ नहीं है तो जी 9.81 नहीं है। ठीक है बेटा, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ओके। ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन हमेशा फिर भी जस्ट टू मेक श्योर ऑलवेज रीड इट केयरफुली, कभी कभार डाल भी सकते हैं वो, और कोई क्वालिटेटिव सवाल भी कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हैज़ अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 8 एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ 4, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन द मून इज 1.62 डाउनवर्ड्स होगा, व्हाट विल बी द स्पीड? अब जब ये कहते हैं तो आपने याद रखना है कि ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का रिजल्टेंट निकालने को बोल रहे होते हैं आफ्टर 9 सेकेंड्स। अब आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि 9 सेकेंड्स बाद बॉल, 9 सेकेंड के बाद बॉल है किधर, ना भी पता लगाएं ऐसा सच को मसला नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बेटा 9 ही होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 9, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 4 ही होगा, ये तो कॉन्स्टेंट ही रहता है, ये तो चेंज नहीं होता है। वर्टिकल कॉम्पोनेंट अपवर्ड्स है, बट एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल नेगेटिव होनी चाहिए, डाउनवर्ड्स होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव होनी चाहिए, तो
वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वे वी विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट एंड यू इज द इनिशियल. तो वी अननोन है, यू आपका 8 है, ए की वैल्यू -1.62 रखेंगे और टाइम वो कितना दे रहे हैं आपको, 9 seconds का टाइम दे रहे हैं. When you do all of that, what do you get? V. Positive value आ रही है, negative? I believe negative value आएगी. Negative values ये बताएगी कि हाँ भाई ball यहाँ कहीं है. Ball is somewhere along here. The ball will be somewhere over here. ठीक है? So क्या आता है जी? 8 minus 1.62 into 9. So इससे आ रहा है जी -6.58, which means के ये है जी, ये है इस डायरेक्शन में और ये है जी 6.58 इस डायरेक्शन में. आप ये हो गया आपका 4, ये हो गया 6.58, ये हो गया रिजल्टेंट. ये आपका आंसर आ जाना चाहिए. दैट शुड गिव यू 7.7 व्हिच इज बी. ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ये अच्छा सवाल है. ग्राफ वाले क्वेश्चन सारे ही थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं. आर्चर शूट्स एन एरो, वही प्रोजेक्टाइल मोशन है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. ग्राफ शोज थ्री डिफरेंट क्वांटिटीज पी क्यू आर वर्सेस टाइम. एक्स एक्सिस पे टाइम ही है लेकिन पी क्यू आर क्या है, वी डोंट नो, राइट? तो वो कह रहे हैं कि अब आप कोई और बात लिखी हुई है, कोई और इम्पोर्टेंट बात? राइट, सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा ग्राफ किस चीज का. हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में क्या ख्याल है, ये क्या होना चाहिए? ये तो आपको पता होता है कि हमेशा ये क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ, अच्छा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है. याद रखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है. जब आपकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनता है? एनी आइडिया? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनता है जब हॉरिजॉन्टल आपकी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होती है? ऐसा ग्राफ बनता है बेटा, ऐसा ग्राफ बनता है. तो ये आपका क्यू होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. तो आई थिंक इससे तो पहला वाला ही आपने फिगर आउट कर लिया, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए. हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा. वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आई थिंक ये तो इसका पाथ देख के ही आपको पता चल रहा है. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, पहले ऊपर जा रही है बॉल फिर नीचे आ रही है, तो पहले बढ़ेगी फिर नीचे आ जाएगी, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गई. तो ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है आई गेस. और वैसे ही देखो क्यू का ऑप्शन और किसी में दिया हुआ ही नहीं है, ये सारे ही गलत दिए हैं. तो आपको वैसे ही एक ही सिलेक्ट करने से आपका आंसर आ गया. ठीक है भाई, ऑल राइट, लेट्स सी. Along which directions do the forces act on the stone? Point X is on this path. Vacuum लिखा हुआ है, तो air resistance नहीं है. X V and X H are vertical and horizontal line, respectively through X. X T is tangent to the path. X T is tangent. Velocity की direction को show करेगा. X V आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी को शो कर सकता है, वेट को भी शो कर सकता है, एक्सेलरेशन को भी शो कर सकता है. एक्स एच हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को शो करेगा. कह रहे हैं जी अलोंग विच डायरेक्शंस डू द फोर्सेस एक्ट, ओनली वर्टिकल, राइट? और वो कौन सी फोर्स है? वेट. कौन सी फोर्स है ये? एक्स वी ओनली, वी आंसर होना चाहिए, वेट ओनली. वही बात जो पहले क्वेश्चन रिपीट हुआ था फोर्सेस वाला, लेकिन अब डिफरेंट तरीके से पूछ लिया उन्होंने. अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम एयर ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल. एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते आप
what happens to the horizontal and the vertical components of the ball's velocity? क्या ख्याल है? अब horizontal component आप constant नहीं बोलेंगे, not constant. Tall building है, imagine करो आपने यहां से ball throw की, उसका path कुछ ऐसा हो जाएगा. Eventually it will decrease or look at decrease to zero, तो probably यही रहेगा. अगर तो air resistance ना होता, तो कोई horizontal force ना होती, तो हमारी बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है velocity का वो constant रहता, लेकिन अब constant नहीं रहेगा. वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाता है. वर्टिकल कंपोनेंट क्या करता है? रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी. सो इसके ख्याल, इसके बारे में क्या होगा? इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू. टर्मिनल वेलोसिटी का किस तरह का ग्राफ बनता है? इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू, डी. ठीक है बेटा, horizontal or vertical velocity, sir, why decreases to zero? Decreases to zero क्यों होगा eventually? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, जैसे जैसे आपका जो air resistance है वो आपकी ball की horizontal velocity को भी resist कर रहा है, right? So as the ball moves in, the ball has horizontal components of the velocity, air resistance acts in this direction as well and air resistance acts in this direction as well. इसकी वजह से, ये वाले एयर रेजिस्टेंस की वजह से तो ये इफेक्ट आएगा वर्टिकल कंपोनेंट पे. ये तो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाएगा, वी वाई. ठीक है, वी वाई. अब जो वी एक्स है उसके साथ क्या हो रहा है? देखो यार, वी एक्स का मसला सारा ये है कि उसको कोई चीज पीछे से, कोई बॉल को इंजन तो पुश नहीं कर रहा, वेट तो एटलीस्ट बॉल को नीचे की तरफ पुल कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टली बॉल को कोई चीज पुश या पुल नहीं कर रही. द बॉल हैज नाउ लेफ्ट द हैंड. There is no horizontal force pushing it forward. There is only an opposing force. Only an opposing force all the time on the ball. Air resistance, air resistance, air resistance, air resistance. तो ball इसकी जो horizontal velocity वो decelerate करती जाएगी, उसको push करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस वो सिर्फ और सिर्फ resist हो रही है. तो ball की जो horizontal velocity है वो decelerate करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी. Eventually, if the building is tall enough, it will have no horizontal component left at all. It will be reduced to zero by the horizontal deceleration or the opposing horizontal force. That's why it decreases to zero. अब देखो, आमना decrease to zero करेगी या नहीं करेगी, इसका इस पे भी depend करता है ना कि building कितनी tall है. अगर building सिर्फ इतनी tall होती तो यहाँ पे तो अभी तो horizontal component decrease to zero नहीं हुआ. बट इतना पता है कि डिक्रीज डेफिनेटली होगा, बिकॉज देयर इज एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस है यहाँ पे. डिक्रीज टू जीरो मैंने इसलिए चूज कर लिया कि भाई यहाँ पे देखो और कोई ऑप्शन ही नहीं दिया उन्होंने हमें. आप क्वेश्चन वाइज भी देखो, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है. उन्होंने सिर्फ ये तो नहीं लिखा ना डिक्रीज टू अ नॉन जीरो वैल्यू. अब कॉन्स्टेंट तो डेफिनेटली नहीं है, ये तो आपने पहले डिसाइड कर लिया, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? यही दो बचते हैं. ओके, इसका कॉन्सेप्ट बहुत पक्का होना चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी वाला. ओके जी, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोजेक्टाइल. स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड फॉल्स. दोबारा से प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली है, सो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 होगा. v y जो है वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए. ये तो डेफिनेटली मुझे गलत लग रहा है, बट एनीवेज आगे चलते हैं, देखते हैं. एयर रेजिस्टेंस इज नेगलिजिबल, द स्टोन हैज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी vh एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. हाउ v y एंड vh वेरीज विद टाइम? ओके, सो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता है कांस्टेंट रहता है. यहाँ पे सही बना हुआ है और यहाँ पे सही बना हुआ है, यहाँ पे गलत बना हुआ है, यहाँ पे सही बना हुआ है. अब इसका मतलब कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया? बी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया. अब बचता क्या है? अब आपका बचता है वर्टिकल कंपोनेंट. वर्टिकल कंपोनेंट की एक्सेलरेशन जो हो रही है डाउनवर्ड, वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? वर्टिकल कंपोनेंट यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? Or does it start from zero or does it start from a non-zero value and then decreases? अगर कोई चीज नीचे की तरफ आ रही है, आपने बिल्डिंग से फेंकी, वो नीचे की तरफ गिरेगी, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो इंक्रीज करेगा ना, डिक्रीज तो नहीं करेगा. डिक्रीज तो नहीं करेगा ना वर्टिकल कंपोनेंट. अब दूसरा सवाल ये है कि जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से भी, यहाँ पे भी हो रहा है जीरो से स्टार्ट, यहाँ पे नहीं हो रहा, ये भी गलत हो गया. डी भी एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है. अब मसला आ जाता है ग्रेडियंट का. ये वाली चीज किसकी सही है? डिड ए गेट इट राइट और डिड बी सी गेट इट राइट?
यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है अब्दुल्ला बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ डू यू गेट व्हेन यू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डू यू गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ और डू यू गेट अ कर्व, बता रहे हो अब्दुल्ला मुझे, स्ट्रेट लाइन, सो व्हाट इज इट, ए सही है, सी ने गलत कर दिया ग्रेडियंट को, ए सही है। ठीक है बेटा, आपके नोट्स में बने हुए भी हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ग्राफ, आई बिलीव बने हुए हैं, अगर मैं एक दफा क्विकली गो थ्रू करूं, मैंने जब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था तो मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी के ग्राफ बनाए थे, और ये मैंने, ये सिर्फ नीचे आने का है, नहीं ये सिर्फ ऊपर जाने का है, नीचे आने का भी बनाया हुआ है, राइट। अगर सिर्फ कोई चीज नीचे आ रही है, कोई चीज सिर्फ ऊपर जा रही है, तो उसका यूं भी बन सकता है, लेकिन नेवर द लेस स्ट्रेट लाइन। इसमें ये ग्राफ इज ड्रॉन विद द अजम्पशन दैट अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, तो इसलिए ऊपर जाते हुए वर्टिकल वेलोसिटी कम हो रही है और नीचे आते हुए वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। इसलिए वहां पे कैसे बना हुआ है, यूं बना हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ डाउनवर्ड्स को ही पॉजिटिव कंसिडर कर रहा है। एनीवेज, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे सवाल हो गए, वी स्टिल हैव लाइक 10 मिनट्स, तो हम न्यूटन्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, यू विल सी, और उसको देख लेते हैं, फिर इसको इसी को पिकअप हम जो है वो कल वाली क्लास में इसको कंटिन्यू करूं या डायरेक्ट फिर मैं वेव्स पे चला जाऊं, क्या कहते हो, कल चला जाऊं वेव्स और सुपर पोजिशन पर डायरेक्ट, मिक्स आंसर आ रहे हैं बड़े यार, ये बड़ा मसला है ना, किसकी बात माने बंदे, चलो लेट्स सी। तारिक नहीं, हमने ये वाली बात तो वैसे मेरे ख्याल से गलत है, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वैसे, आई थिंक सबसे ज्यादा, सबसे कम प्रॉब्ली वेव्स में से आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक इफ यू कंपेयर द मैकेनिक्स विद द वेव्स, तो मैकेनिक्स सबसे ज्यादा आते हैं, वेव्स सबसे कम आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फिर थोड़े से ज्यादा आते हैं, बट सबसे ज्यादा हैवी सेक्शन तो पहला वाला ही है इन टर्म्स ऑफ चैप्टर्स। खैर, क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाओ, दो तीन क्वेश्चन जितने भी होते हैं हमसे 10 मिनट में वो कर लेते हैं, सो लेट्स सी, अब आप खोलें जरा क्वेश्चन को, ट्राई करें ट्राई करें ट्राई करें, मैं कोई वेट कर रहा हूँ। डायग्राम इज शोन, ये बंदा है किसी जेट पैक के ऊपर खड़ा हुआ है, काइंड ऑफ हो ये रहा है कि पानी नीचे से जेट से बाहर निकल रहा है, ठीक है, एट सम रेट, और बिकॉज ऑफ द रिएक्शन फोर्स, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन फोर्स द जेट बेसिकली स्टेज लेविटेटिंग, काइंड ऑफ लेविटेटिंग रहता है। तो आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी, वो जो वीडियोस के, आप तो वो दुबई में आई थिंक उन्होंने करवाना भी शुरू कर दिया था, मेड दोज वाटर जेट पैक्स वाटर स्पोर्ट्स के अंदर यूज होता है, दिस इज वॉट, दिस इज काइंड ऑफ व्हाट इज डूइंग ओवर हियर। तो अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ही रिमेन एट कॉन्स्टेंट हाइट, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम में, तो इस पे जो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड फोर्स है वो बराबर होनी चाहिए। द रिजल्टेंट फोर्स, द रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स ऑन द प्लेटफॉर्म इज जीरो ऑब्वियसली, द कम्बाइंड मास ऑफ द मैन एंड द प्लेटफॉर्म इज 96 kg, ओके मास 96 kg है, तो वेट आप यहाँ से निकाल लेंगे। मास ऑफ द वाटर दैट इज डिस्चार्ज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वाटर डिस्चार्ज वर्टिकली डाउनवर्ड्स इज इन ईच सेकेंड इज 40 kg/s, इतना मास निकल रहा है। वॉट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेन लीविंग द प्लेटफॉर्म, ओके इस बात को समझ लेते हैं कि अब यहाँ पे होगा क्या। बेटा देखो, यहाँ पे पानी जब यहाँ से बाहर निकलता है ना, तो पानी का मोमेंटम चेंज होता है, पानी का मोमेंटम चेंज होता है एसेंशियली, दैट दैट चेंज ऑफ मोमेंटम कॉजेज द फोर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। जब आप किसी भी पाइप से बहुत ज़्यादा तेजी से पानी पुश आउट करते हो, तो पाइप के अंदर रिकॉयल आता है, उस रिकॉयल की वजह से ही जो है वो इस पर एक अपवर्ड फोर्स लग रही है। अब ये जो अपवर्ड फोर्स लग रही है, ये इसके डाउनवर्ड वेट के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब इस बंदे का वेट कितना है, पहले इस बात को फिगर आउट कर लेते हैं, वो हो जाना चाहिए 96 प्लस 9.81, हमें पता तो लगे कि अपवर्ड फोर्स आपने लगानी कितनी है, तो अपवर्ड फोर्स आपने लगानी है 96, आपका जो वेट है, सॉरी मास है, इंटू 9.81 करके आपका जो वेट आ रहा है वो आ रहा है यार 941,
या 942 न्यूटन आपका वेट आ रहा है, मतलब वो जो अपवर्ड फोर्स है एफ, वो भी आपको इसको बैलेंस आउट करने के लिए 942 न्यूटन की तो लगानी है। अब अगर आपको इतनी फोर्स लगानी है तो अब आप, आपको पता है कि फोर्स का मोमेंटम से क्या ताल्लुक है, ये बेसिकली वो वाला हमारा प्रोपल्जन वाला जो मोमेंटम के अंदर टॉपिक आते हैं वो है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। अब पानी निकल रहा है 1 सेकंड में, ये तो 1 सेकंड हो गया, टाइम तो आपका 1 सेकंड हो गया, फोर्स आपको पता है कितनी है 942। सो यहाँ पे आ गया 942, यहाँ पे आ गया 1 सेकंड। अब चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए आप क्या करेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए आप क्या करेंगे, आप अज्यूम करो कि पानी एक बहुत स्पीड से निकल रहा है, बट इवेंचुअली पानी की स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो देयर इज फोर्स ऑन द वाटर एंड देयर इज द वाटर एक्सर्टिंग द फोर्स एज वेल। सो अगर हमारा पानी का फाइनल मोमेंटम हम कह लेते हैं जीरो हो जाएगा, फाइनल मैं कहता हूँ जीरो हो जाएगा, और इनिशियल जो है वो एम वी के बराबर होगा, तो 942, यहाँ पे वन अब लिखने की जरूरत तो नहीं है, फाइनल आपका जीरो हो गया। बेशक माइनस साइन आप डालो ना डालो इग्नोर करो, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, डाल भी लो तो इतना कोई मसला नहीं है। मास आपको बताया गया 1 सेकंड में कितना निकल रहा था, 40 का, 1 सेकंड में 40 kg का मास बाहर आ रहा था, और वो 1 सेकंड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया था। वी मुझे निकालना है, तो बेसिकली 942 डिवाइडेड बाय 40 है, दैट्स अबाउट इट, जिससे मुझे पता चल रहा है कि तकरीबन 23.5 आंसर आ रहा है, इतनी वेलोसिटी से पानी को बाहर आना चाहिए, दैट मेक्स इट सी। ओके, सो दिस वाज अ क्वेश्चन अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एसेंशियली, ठीक है। प्रोपल्जन वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें कोई चीज़ अगर पानी से नीचे वाटर का जेट निकल रहा हो या कुछ भी निकल रहा हो, तो अज्यूम करो उसका फाइनल मोमेंटम जीरो होगा, और इनिशियल मोमेंटम जो भी होगा वो मास फ्लो रेट से आप एम वी करके निकाल लो, और नीचे टाइम को 1 सेकंड ले लो, क्योंकि हमेशा पर सेकंड में उन्होंने दिया हुआ होता है। अगर पर मिनट में दिया हुआ हो या पर आवर में दिया हुआ हो तो उसको पहले निकाल लो कि पर सेकंड में कितना मास निकल रहा है, हमेशा उसको 1 सेकंड में देख लो कितना मास निकल रहा है, उस चीज़ पर ले आओ। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, बॉल रीबाउंड कर रही है, देन दे वुड हैव टोल्ड यू कि वो प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ, मुस्तफा अगर आप कह रहे हो कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगी तो उसमें वो बताएंगे ना कि प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है या नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। देखो अगर वेट ज्यादा होगा दिस विल डेफिनेटली स्टार्ट गोइंग डाउनवर्ड्स, और अगर ये वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, देन यू विल हैव टू यूज एफ इज इक्वल टू एम ए रादर देन एफ, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अभी मैंने क्या कर दिया, एफ नेट इक्वल टू जीरो रख दिया, यही अज्यूम किया ना डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स बराबर है, वरना फिर एक्सेलरेशन के साथ एम ए करके फिर मैं पता लगाता कि अपवर्ड फोर्स कितनी होनी चाहिए। ओके, द बॉल फॉल्स वर्टिकली ऑन टू द ग्राउंड हैज मोमेंटम पी वन डाउनवर्ड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, आफ्टर रिबाउंडिंग द बॉल लीव्स द ग्राउंड विद मोमेंटम पी टू अपवर्ड्स द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड फॉर 0.02 सेकंड्स, ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्स ऑन द बॉल, व्हाट इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ पी वन एंड पी टू। ऑल राइट, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले तो आप वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम निकालें, चेंज ऑफ मोमेंटम निकालें फ्रॉम द फोर्स, 25 न्यूटन की अगर फोर्स लगी है मेरे बच्चे, 25 न्यूटन की फोर्स लगी है, चेंज ऑफ मोमेंटम आपको निकालना है, टाइम कितना है 0.02 सेकंड्स का, तो आप जब ये टाइम की वैल्यू डालते हैं तो आपको चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ रहा है, 0.5 का डिफरेंस आना चाहिए, P1 और P2 में 0.5 का डिफरेंस होना चाहिए। अब इसमें भी है, इसमें भी हो सकता है, बिकॉज अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स भी हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, अब एक मजे की बात, सॉरी, क्या डिफरेंस 0.5 का है, बट नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब समझने के लिए एक नंबर लाइन बनाओ। I want to explain कि नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जीरो है, यहाँ पे आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। कोई मुझे बताएगा इस वाले माइनस थ्री में और ये वाले प्लस टू में कितना फर्क है, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स, एनी आइडिया, माइनस थ्री और प्लस टू में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने साइंस को नहीं देखा, साइंस को नहीं इनकॉर्पोरेट किया, बट अब ये वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता,
क्योंकि इसमें 0.5 का डिफरेंस तो है, बट फिर वो ये चीज हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों जो है वो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये वाला आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव होनी चाहिए और एक वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब अगर आप इसको नेगेटिव ले लो और इसको पॉजिटिव ले लो तो उस हिसाब से आप चल सकते हो, या नीचे वाले को पॉजिटिव ले लो, दूसरे वाले को पॉजिटिव, दूसरे वाले को नेगेटिव ले लो, तब भी आप चल सकते हो। तो इसका मतलब है ये और ये भी नहीं हो सकता। मसला क्या बना कि वही वो या तो दोनों को पॉजिटिव या दोनों को नेगेटिव अज्यूम कर रहे हैं, ये नहीं पॉसिबल है। अब दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि पी वन और पी टू का डिफरेंस अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो डिफरेंस 0.5 का आ रहा है, और ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये भी तब भी डिफरेंस 0.5 का आ रहा है। लेकिन इनमें से फिर कौन सा सही है? अब इनमें से ज्यादा बेहतर आपके ख्याल में कौन सा है? लॉजिक क्या बनती है यहाँ पे? क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि बॉल टिप्पा खा के और फिर ऊपर वाली वेलोसिटी उसकी ज्यादा हो जाए, या ऊपर वाला मोमेंटम ज्यादा हो जाए? इलास्टिक कोलिजन भी होगी, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तब भी वो इक्वल मोमेंटम से तो रिबाउंड कर सकता है, लेकिन ज्यादा मोमेंटम से तो रिबाउंड नहीं कर सकता ना, कम ही होता है मोस्टली। सो मोस्टली कम ही होता है प्रैक्टिकली। अगर आप बिल्कुल आइडियल एक इलास्टिक कोलिजन ले लो तो उसमें भी इक्वल होगा, ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। सो इट शुड ऑलवेज बी सी, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात को रियलाइज करना था, और साथ में ये रियलाइज करना था कि पी वन को पी टू से डेफिनेटली ज्यादा ही होना चाहिए। अच्छा बेटा, कल देख लेते हैं क्या करना है, मैं डिसाइड करता हूँ अभी, थोड़ा सा सोच लूँ, कुछ क्वेश्चंस को गो थ्रू करता हूँ और 22 के मुश्किल वाले सवाल भी निकाल लेता हूँ, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं अगली दो क्लासों में। फिर जो भी डिसाइड करेंगे उसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे दो दिन के लिए। प्रॉबेबली आई एम थिंकिंग वेव्स के दो दिन हम जो है वो निकालें, वेव सुपर पोजिशन के दो दिन निकाल देते हैं, बट लेट्स सी। और क्या है, बस ठीक है, आई सी यू गाइस टुमारो, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।